नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, टू लीव ए क्रिएटिव लाइफ वी मस्ट लूज अवर फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। रचनात्मक जीवन जीने के लिए हमें गलत होने के डर को खत्म करना होगा। यहाँ पे एक है क्रिएटिव लाइफ, दूसरा वाला है फियर, तीसरा वाला है फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। अभी क्रिएटिव लाइफ कैसे होगा? क्रिएटिव लाइफ कॉन्सिस्ट ऑफ टेकिंग क्रिएटिव डिसीशंस। क्रिएटिव डिसीशंस मीन्स इट इन्वॉल्व्स लॉट मेनी डिसीशंस टू टेक, लॉट मेनी आइडियाज टू टेक। अभी आइडियाज कब आएंगे? जब हमारा माइंड इज फुल ऑफ एनर्जी, इज फुल ऑफ क्रिएटिविटी, इज फुल ऑफ रिसोर्सफुलनेस, जहां पे डर का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। डर यानी फियर, व्हाट इज दैट? फियर इज ए रिटार्डिंग एजेंट टू एनी प्रोसेसेस। यानी कोई भी प्रोसेस में जब भी एक फियर आ जाता है, सम सॉर्ट ऑफ रिटार्डेशंस यानी सम सॉर्ट ऑफ ब्रेक्स इन ए कार, कार में जैसे एक ब्रेक होते हैं गाड़ी के रफ्तार को रोकने का, वैसा ही फियर का भी काम वही है, एक रिटार्डिंग एजेंट, एक रिटार्डेशंस के लिए हेल्प करते हैं। ये जो फियर है, जब भी हमारे दिमाग में हावी हो जाते हैं, तब क्या होता है? हमारा नेचुरल एबिलिटी, दैट मींस द क्रिएटिविटी, धीरे धीरे कम होने लगते हैं। द फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग यानी गलत होने का अगर एक कॉन्सेप्ट या एक सोच अगर दिमाग में आ जाते हैं, क्या मैं गलत हो जाऊंगा तो क्या होगा, हमेशा हम गलत वर्ड के ऊपर ही फोकस करेंगे रेदर देन बीइंग क्रिएटिव, कैसे इसको अच्छा किया जाए। उस फोकस के कारण हमारा क्या होगा? हमारा एनर्जी धीरे धीरे टुवर्ड्स नॉट टू बी रॉन्ग के उधर ड्रेन आउट होना चालू करेगा, क्योंकि एनर्जी फ्लोज हायर फोकस गोज। हमारा फोकस जिधर जाएगा एनर्जी भी उधर ही जाएगा। नॉट बीइंग रॉन्ग ये अगर हमारा दिमाग में ऑक्यूपाई करना चालू कर देते हैं एंड इट्स रिलेटेड फियर, तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारा हमारा एनर्जी जो है वो उसी डायरेक्शन में ड्रेन आउट होना चालू करेगा एंड क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस कम होता रहेगा, तो क्या होगा? एनर्जी क्रिएटिव वर्ड्स में, क्रिएटिव डिसीशंस में, क्रिएटिव एक्टिविटीज में कम होना चालू होगा एंड नॉट फियर ऑफ बीइंग नॉट बीइंग रॉन्ग के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा बढ़ता रहेगा। उस कारण क्या होगा? हमारा जो बैलेंस है, हमारा जो एक्शन जहां पे देना चाहिए था क्रिएटिविटी के ऊपर, उसमें से हट जाएगा। सो क्रिएटिव लाइफ इज ए सीरीज ऑफ क्रिएटिव डिसीशंस दैट वी टेक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जितना हम लाइफ में क्रिएटिविटी का काम करते रहेंगे, क्रिएटिविटी का डिसीशंस लेते रहेंगे, उतना वो फल फूलता रहेगा यानी बढ़ता रहेगा। एंड उस डायरेक्शन में अगर जाना है तो हमें फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग को कट करना पड़ेगा, एल्स हमारा जो एनर्जी है उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा, व्हिच विल ड्रेन आउट आवर एनर्जी फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ बीइंग क्रिएटिव टू नॉट बीइंग रॉन्ग एंड हमारा इफोर्ट खत्म होता रहेगा। यहाँ पे ये जो क्रिएटिविटी है इज रिलेटेड टू डिसीशंस आल्सो। डिसीशंस हम जब भी लेने का कोशिश करते हैं, कुछ लोग बहुत ही झटपट डिसीशंस ले लेते हैं और कुछ लोग सोचते ही रहते हैं क्या हमें ये करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जो डिसीशन है राइट होगा या रॉन्ग होगा, एंड उसी एक लूप में अटक के हम अपना टाइम खराब करते हैं। क्या मैं सही होऊंगा, क्या मैं गलत होऊंगा, ये करने से सही होगा, अच्छा होगा, मैं क्या सक्सेस कर पाऊंगा, एंड उस लूप में अगर एक बार फंस गया तो गया। इस टॉपिक के रिलेटेड मैं एक कोट करना चाहूंगा हमारे रेस्पेक्टेड रतन टाटा जी।
उनका कहना है कि आई डोंट टेक एनी राइट डिसीजंस, आई टेक ए डिसीजन एंड मेक ईच एंड एवरी इफोर्ट टू मेक इट ए राइट वन। यानी डिसीजंस लेने के टाइम पे ये नहीं सोचना है कि ये डिसीजन सही है या गलत है। ऑफ कोर्स शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटीज क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है। वो करने के बाद हमें एक एक्शंस लेना है, डिसीजंस लेना है, देन द एक्शंस लेना है, रेदर देन थिंकिंग अबाउट क्या ये राइट डिसीजंस होगा या रॉन्ग होगा। क्योंकि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, राइट डिसीजंस क्या है, रॉन्ग डिसीजंस क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ओनली द टाइम विल टेल। व्हाट इज मैटर द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ मच इफोर्ट यू आर पुटिंग हियर, आप कितना इफोर्ट यहाँ पे दे रहे हो। अगर वो इफोर्ट देने के टाइम में आपका फोकस अगर नॉट बीइंग रॉन्ग की तरफ हो जाता है, दैट मींस द फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग अगर हो जाते हैं, तो आप कितना इफोर्ट एक्चुअल काम पे दोगे। उल्टा वर्चुअल एक्टिविटीज में, वर्चुअल थिंकिंग में आप ज्यादा एनर्जी ड्रेन आउट करोगे, तो क्या आपका काम अच्छा होगा, नहीं होगा, वो डिसीशन सही होगा, नहीं होगा। इसीलिए हमें द फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग को टोटली कट करना है, एक बार एक डिसीजन लेना है कि करना है या नहीं करना है शॉर्ट एनालिसिस के बाद। उसके बाद हमें उस काम के ऊपर पूरा का पूरा फोकस करना है, तो वो जो डिसीजन होगा एंड टू मेक इट राइट वी नीड टू डू ईच एंड एवरी इफोर्ट। क्या क्या करना जरूरी है वो करना होगा, ऑल्सो क्या क्या एवॉइड करना चाहिए वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा इस काम करने के टाइम पे, तो ये जो डिसीजन होगा सही होगा। यानी सही डिसीजंस विल टेक यू टू टेक मोर डिसीजंस, मोर डिसीजंस यू आर गोइंग टू टेक मींस यू नीड टू बी मोर क्रिएटिव, मोर क्रिएटिव यू आर बी टेकिंग बिकमिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, देन योर लाइफ बिकम मोर क्रिएटिव। दैट इज व्हाई क्रिएटिव लाइफ लीड करने के लिए आपको क्रिएटिव वर्क्स करना पड़ेगा, क्रिएटिव वर्क्स करने के लिए क्रिएटिव डिसीशंस लेने पड़ेंगे, क्रिएटिव डिसीशंस लेने के लिए आपको पहले डिसीशंस लेना पड़ेगा। उस डिसीशंस लेने के टाइम पे आपको फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग में फंसना नहीं है, नहीं तो जो ये जो चेन प्रोसेस है, चेन प्रोसेस बंद हो जाएगा एंड हमेशा हम अपना एनर्जी वर्चुअल एक्टिविटीज में, दैट इज द फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग में हम ज्यादा एनर्जी देते रहेंगे। सो ये जो आज का छोटी सी बात है, टू लीव ए क्रिएटिव लाइफ, हमें ये जो फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग इसको पूरा का पूरा खत्म करना पड़ेगा। राइट या रॉन्ग ओनली टाइम विल टेल, योर इफोर्ट्स विल मैटर द मोस्ट। काफी साइंटिफिक इनोवेशंस हुए हैं जो साइंटिस्ट लोग कुछ काम कुछ एक डिसीजन के साथ करना चाहते थे, लेकिन आउटकम उनके मुताबिक आया नहीं, बट सब्सिक्वेंटली उसी आउटकम को और कुछ साइंटिफिक इनोवेशंस में भी लगाया गया है एंड उस सब्सिक्वेंट इनोवेशंस को एक मेगा सक्सेस के रूप में हम देख चुके हैं। इसीलिए व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज हाउ मच इफोर्ट यू आर पुटिंग इन दैट डिसीजंस, इन दैट क्रिएटिव डिसीजंस, एंड अल्टीमेटली व्हिच विल टेक यू टू लिव ए क्रिएटिव लाइफ। तो आज का ये छोटी सी बात अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।